Hey guys, welcome back to the Art Attraction. Hope you all are doing well in this lockdown. And to make it more interesting, I am going to share one of the easiest, sweet and healthy recipe, that is a khajur paan, जिसे आप dry and fresh दोनों तरीके के खजूर से बना सकते हैं. इसे बनाने के लिए जो ingredients आपको चाहिए, first you need dry or fresh dates. पिक्चर में जो आप राइट साइड पे देख रहे हैं उसे हम छुआरा और खारक भी कहते हैं. अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां से इसे डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं. आपको ये खजूर पान बनाने के लिए दोनों तरीके के डेट्स नहीं चाहिए, आप अपनी चॉइस से एक सेलेक्ट कर सकते हैं. देन यू नीड ड्राई फ्रूट्स, नो स्पेसिफिक क्वांटिटी और चॉइस, बस आप जितने भी ड्राई फ्रूट्स लें उसे बारीक चॉप कर लें. थर्ड यू नीड अ गुलकंद, आई प्रेफर कि इसकी क्वांटिटी आप सबसे ज़्यादा रखें. देन मीठी सौंफ, जिसे मुखवा सुपाड़ी भी कहते हैं. देन डेसिकेटेड कोकोनट, नारियल चूरा और सौंफ एंड टूटी फ्रूटी कतरी. ये सब कलेक्ट कर लेने के बाद इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं. एंड खजूर पान बनाने के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जो कि मुझे स्टार्टिंग में ही बता देना चाहिए था आपको, अगर आप छुआरा यूज़ कर रहे हैं ना तो उसे एक दिन पहले अप्रॉक्स 10 आवर्स या नाइट टू मॉर्निंग वाले टाइम तक भिगा के रख लें, जिससे कि वो सॉफ्ट भी हो जाएंगे और फूल भी जाएंगे. और सेकेंड मेथड ये है कि आप छुआरा को बॉयल कर लें यदि आपके पास ज़्यादा टाइम ना हो तो. पिक्चर में जो छुआरे आप देख रहे हैं इन्हें मैंने थोड़ी देर भिगाया था, इसलिए इन्हें थोड़ी देर तक बॉयल भी किया है. अगर आप फ्रेश खजूर यूज़ कर रहे हैं ना तो आपको ना ही भिगाने की ज़रूरत है और ना ही बॉयल की. देन आप इस तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर दें जो कि मैंने लिस्ट आउट किए थे और स्टव के लिए रेडी कर लें. मैं एक बार फिर लिस्ट कर देती हूँ. इसमें मैंने गुलकंद, कतरी, ड्राई फ्रूट्स चॉप्ड, नारियल बुरादा, सौंफ एंड मुखवा सुपाड़ी को मिक्स कर लिया है. देन डेट्स और खजूर में से आप ऐसे कट करके बीज अलग कर लें और इसमें जो पान मसाला आपने रेडी किया है उसे फिल कर दें. इसे रेडी करते करते कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो शायद आपके काम है. फर्स्ट, आप ड्राई और फ्रेश कोई भी खजूर यूज़ कर सकते हैं, बट पर्सनली आई लव द छुआरा टेस्ट. सेकेंड, क्वांटिटी जो इस डिश में ना ही कोई इंग्रेडिएंट्स कंपलसरी है ना क्वांटिटी, आप एज पर टेस्ट इसमें चेंजेस कर सकते हैं. बट आई सजेस्ट कि गुलकंद की क्वांटिटी आप जस्ट बाकी से डबल रखें, क्योंकि सारी ड्राई चीज़ों को हम गुलकंद से ही मिक्स कर रहे हैं तो इससे इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा. थर्ड, छुआरा ज़रूरी नहीं है भिगाना, मैं मोस्ट ऑफ टाइम बॉईल करके ही यूज़ करती हूँ और ये मुझे ज़्यादा टेस्टी लगते हैं. तो आप सोच रहे होंगे कि कितनी देर तक बॉईल, तो ये आपको जस्ट टच करके पता चल जाएगा और अप्रॉक्स आप 20 मिनट बाद इसको एक बार चेक कर लें. आपको टेस्ट में जैसा सही लगे उतना बॉयल करें. कई बार छुआरे बहुत मीठे नहीं होते तो ऐसे केस में आप इसमें बॉयल करते समय शुगर भी ऐड कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा इतनी शुगर ना ऐड कर दीजिए कि वो स्टिकी और चिपचिपा सा हो जाए. अदरवाइज एक बार साफ पानी से वॉश करिएगा. नेक्स्ट, मुखवा सुपाड़ी आप ठीक से चॉइस करें जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं, इससे भी टेस्ट में अदरवाइज काफ़ी चेंज आता है. एंड होप कि ये इजी एंड हेल्दी पान आपको पसंद आएंगे. अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट करें और अगर आप इस रेसिपी को ट्राई कर रहे हैं तो पिक्चर्स ज़रूर शेयर करें. थैंक यू फॉर